जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है? सही जवाब है 28%। एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अभिजीत चक्रवर्ती। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सही जवाब है सेल्वा प्रभु थिरुमारन। ग्लोबल फायर पावर 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान क्या है? सही जवाब है चौथा। तंजानिया में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जांजीबार परिसर का प्रभारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है प्रीति अघलायम। कौन सा देश यूक्रेन को लंबी दूरी की स्कैल्प मिसाइलों की आपूर्ति में ब्रिटेन के साथ शामिल होगा? सही जवाब है फ्रांस। किस खिलाड़ी को जून 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? सही जवाब है ए और बी। जुलाई माह 2023 में आरबीआई द्वारा किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? सही जवाब है ए और बी। विश्व पेपर बैग प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाना है? सही जवाब है 12 जुलाई। किस राज्य मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने की सिफारिश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही जवाब है ओडिशा। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए किस कंपनी ने अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है लार्सन एंड टुब्रो। हाल ही में किस देश ने 14 जुलाई को बास्टील डे मनाया है? सही जवाब है फ्रांस। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? सही जवाब है राधा श्याम राठौर राधा श्याम रथो। किस शहर ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक की मेजबानी की है? सही जवाब है बेंगलुरु। हाल ही में किस राज्य को अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला है? सही जवाब है तमिलनाडु।